तो आप क्या चाहती हैं? आप चाहती हैं कि मैं अपने शौहर का घर छोड़कर आपके साथ चली जाऊं, अपने आने वाले बच्चे को सुनिए मैं आने से पहले यतीम कर दूं, लावारिस कर दूं? ऐसा नहीं हो सकता अम्मी। आप बेशक अपनी बेटी के बारे में नहीं सोच सकती, लेकिन मैं अपनी औलाद के बारे में सोचूंगी। ऐसा करने के लिए मुझे तुम्हारे शौहर ने इम्तिहान में डाला था। हाँ तो क्या गलत किया सासूमा मैंने? मैं देखना चाहता था कि आप अपनी बेटी का हिस्सा देने आती हैं या फिर मेरा घर बर्बाद करने। शाबाश है आप जैसी माँ को, तो आपको अपनी बेटी से ज्यादा अपनी जायदाद अजीज है। अरे थूकता हूं मैं ऐसे पैसे पर भाई। और वैसे भी फरहान ने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया, इन्होंने बिल्कुल सही आजमाइश में डाला है आपको। ठीक है, आप ही मुझे बता दें कि आखिर उस घर में ऐसा क्या है अम्मी जो आपको अपनी बेटी से भी ज्यादा अजीज है? काश हानिया तुम्हारी आंखों पे ये बदगुमानी की धूल ना जमी होती तो आज तुम मुझसे ये सवाल करने की हिम्मत भी ना करते। आपस रहने दें अम्मी, फरहान कभी कभी गलत होते हैं, कभी कुछ गलत भी कह देते, लेकिन इस बार मेरा शौहर गलत नहीं हो सकता और मैं आपका नहीं अपने शौहर का साथ दूंगी। तुम जानती हो ना जो फरहान चाहता है वो मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो फिर आप एक बात का जवाब दें, अगर फरहान की जगह इमाद भाई होते और वो अपनी बीवी का हक मांगते तो क्या आप नहीं देती? अगर वो फाइल मांगते तो क्या आप इनकार कर देती? बेटे माओं का बोझ उठाते हैं, बोझ बनते नहीं है उन पे। अमाद मेरा दामाद नहीं है, बेटा है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो मुझसे ऐसा कोई तकाजा करे। वाह सासूमा वाह, कितनी ढिटाई से आपने फर्क जता दिया और आज तो आपने ये सब कुछ कहकर मुझे और जलील भी कर दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा सासूमा, जिस दामाद को आप बड़े फखर से अपने गले का हार बनाकर घूमती फिरती है ना, वही दामाद एक दिन आपके पैरों के नीचे से जमीन खींच लेगा और आप मुंह के बल जाकर जमीन पर गिरेंगी। उस दिन मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा दामाद फखर के काबिल है, मुझ जैसा बदतमीज या आपके बेटे जैसा चालबाज। हम आपसे और कुछ भी नहीं चाहते, हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहते। अगर नहीं तो आप जा सकते हैं। सासुमा आप जाएं, क्या है ना कि आपका साया रहा यहां पर तो मेरा घर भी बर्बाद हो जाएगा। आप जाएं प्लीज, जाएं आप जाएं। बाय बाय। अरे कैसी बेटी हो यार तुम, चाय नहीं पूछी तुमने अपनी माँ से? हद है भाई, अपनी माँ जैसी हो गई हो तुम भी।